हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दीप में। कहो कैसे हो आप सब। टाइटल पढ़ के आप लोगों को पता चल गया कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्राइडल उबटन के बारे में। घर पे ब्राइडल उबटन कैसे बनाए जिससे स्किन आपकी इंस्टेंट लाइट एंड ब्राइट हो जाए, फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं अगर आप इसे लंबे टाइम तक यूज करोगे तो कम हो जाएगा। ब्राइडल उबटन का प्रयोग आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है, तो आप सभी को पता ही है जब भी किसी की शादी पड़ती है तो एक महीने पहले से ही ना काफी सारी घरेलू चीजें दुल्हन ट्राई करने लगती हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो इंस्टेंट कोई चीज फेस पे ट्राई ना करें शादी से एक या दो दिन पहले। मेक श्योर शादी से 15 दिन या 20 दिन पहले ही आप फेस पे ट्राई करें ताकि उसका एक्शन रिएक्शन जो भी है आपको पता चल जाए। सो अगर आप लोग जानना चाहते हो कि घर पे ब्राइडल उबटन कैसे बनाए तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इन फ्यूचर मैं आपके साथ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करूंगी। उबटन का यूज आज से नहीं काफी टाइम से होता आ रहा है, तो आप सभी को पता है कोई भी ब्राइड हो उबटन का यूज वो करती ही करती है स्किन को निखारने के लिए। जो बात घरेलू नुस्खे में होती है ना, वो बाहर से मिलने वाली जो केमिकल फुल जो क्रीम होती है उसमें नहीं होती है। तो हमारे जो घरेलू नुस्खे हैं दादी नानी के, उसमें टाइम तो लगता है नो डाउट, बट इनका जो आउटकम रिजल्ट होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है। सो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, चलो देखते हैं कि हम उबटन कैसे बनाते हैं। हाँ जी, मैंने मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, टोनर लगाया हुआ है, एक लिप बाम लगाया हुआ है, आईब्रो फिल की हुई है और इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आफ्टर जब मैंने फेस पैक लगाया था उसके बाद। आप मेरे फेस पे ग्लो देख ही सकते हो, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दाग हो गया है, पिंपल हो गया था। तो छोड़ो, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, चलो देखते हैं कि उबटन घर पे कैसे बनाते हैं। ब्राइडल उबटन को बनाने के लिए हमें चीजों की जरूरत होती है। फर्स्टली हमें चाहिए होती है एक कटोरी, हमने यहाँ पर एक खाली कटोरी ली हुई है जिसमें हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होती है बेसन, हम यहाँ पर चने का बेसन ले रहे हैं। आप चाहें तो ले सकते हैं जो लाल मसूर पाउडर नहीं आता, दाल पाउडर, उसे आप ले सकते हैं। स्किन को फेयर करने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है लाल मसूर पाउडर, बट हम बेसन ले रहे हैं क्योंकि बेसन कुछ ज़्यादा ही उबटन में यूज होता है, सदियों से बेसन का यूज होता आ रहा है। इसके बाद हमें चाहिए होती है हल्दी। हल्दी के लिए हमें नॉर्मल हल्दी बिल्कुल नहीं चाहिए होती है जो घर में किचन के लिए यूज की जाती है, वो हल्दी हमें नहीं चाहिए होती। हमें चाहिए होती है अंबा हल्दी जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, आपकी स्किन को नरिश करती है और फेस को लाइट एंड ब्राइट करती है। इसके बाद हमें चाहिए होता है सैंडल वुड पाउडर। मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज करी हूँ उन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन मिल जाएगा। सैंडल पाउडर काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ओनली 85 रुपीज का है, जबकि सैंडल वुड पाउडर काफ़ी महंगा आता है। इसके बाद हमें चाहिए होता है सैफरन यानी केसर। तो केसर के लिए मैं यहाँ पर इस केसर को यूज करूँ और आपके लोकल मार्केट में इजिली मिल जाएगा। केसर थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप यूज कर सकते हो बीको टर्मरिक वाइट, ये जो क्रीम नहीं आती है इसमें आपको टर्मरिक मिल जाएगा, सैंडलवुड ऑयल मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सैफरन नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हो, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी बीको टर्मरिक क्रीम में, और बीको टर्मरिक तो आपको आसानी से आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। और इसके बाद हमें चाहिए होता है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। अगर आपको पिंपल सेकने की प्रॉब्लम है तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, टी ट्री आपको ज़रूर यूज करना चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए होता है रोज़ वाटर, तो मैं यहाँ पर दिव्य गुलाब जल यूज कर रही हूँ। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज कर सकते हो, रोज़ वाटर तो आसानी से आपके लोकल मार्केट में मिल जाना है। तो हमें इतने सामान की ज़रूरत होती है एक ब्राइडल उबटन या फिर ब्राइडल फेस पैक बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं कि हम इसे बनाते कैसे हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हैं लाइक अंबा हल्दी, सैंडलवुड पाउडर, एसेंशियल ऑयल, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आपको इनमें से कुछ भी लेना है तो आप लिंक के थ्रू जाइए ले लीजिए। अब चलो हम बना लेते हैं हमारा फेस मास्क या फिर फेस पैक या फिर ब्राइडल उबटन। तो हम यहाँ पर 2 चम्मच ले रहे हैं बेसन, देखिए थोड़ा सा और ले ले रहे हैं। आप चाहे तो फुल बॉडी के लिए इसे बना सकते हैं और आपको 2 महीने लगातार यूज करना है, आप अपनी स्किन में बदलाव देख पाएंगे। इसके बाद हमें चाहिए सैंडलवुड पाउडर। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। अब
अब एक चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं अम्बा हल्दी का। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट हम ज़्यादा यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। और हाँ, ये हम अम्बा हल्दी ना बिल्कुल भी स्किन पे स्टेन नहीं छोड़ता है, यानी कलर नहीं छोड़ता है। काफ़ी सारी अम्बा हल्दी ऐसी होती है जो स्टेन छोड़ देती है। इसके बाद हमें चार पांच स्टैंड लेने हैं केसर के। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, इतना। केसर स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है तो थोड़ा सा ही लगाएं। अब एक चम्मच ही आपको डालना है इसका, बेको टर्मरिक का। और जब मैं इसे ओपन करती हूँ ना, तो मुझे मेरी मम्मी की याद आती है, वो काफ़ी ज़्यादा इसे लगाती थी। अब इसके बाद आपको डाल देना है अच्छी खासी क्वांटिटी में रोज वाटर। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अच्छे से आपको मिक्स करना है, मिक्स कर लें। इसके बाद आप पानी डाल दें, सॉरी, रोज वाटर डालना है, पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसमें कोई भी गुठली टाइप नहीं रहनी चाहिए, स्मूथ पेस्ट आपको बनाना है। अगर आपको लग रही है हल्दी कम है, तो थोड़ी सी हल्दी आप और डाल दीजिए। एक मिनट, में थोड़ी सी हल्दी इसमें और डालने वाली हूँ, क्योंकि मुझे हल्दी कम लग रही है। तो मैंने इतनी सी हल्दी डाली हुई है, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पेस्ट आपको बनाना है। अब आपको लास्ट में ऐड करना है टी ट्री ऑयल, कुछ ड्रॉप्स ही आपको डालनी है इसकी। बस आपको इतना ही डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर गिर गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। आप देख रहे हो कितना स्मूथ पेस्ट बना हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आपको पेस्ट बनाना है। बस अब इसको कुछ देर के लिए रख देना है, तुरंत नहीं लगाना है। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए रख दें, या फिर 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए इसमें जो सैंडलवुड पाउडर पड़ा हुआ है ना, सॉरी, सैफरन स्टैंड है ना, और ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। तो अब इसको हम रख दे रहे हैं। तो आपने तो देख ही लिया ना उपटन बनाने का तरीका, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। और जितना ही सिंपल इसे बनाना है ना, उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। सिंपल बनाना है और लगाना भी है, 10 से 15 मिनट आपको रखना है। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस उपटन को बनाने के लिए यूज किए हुए हैं, उन सबका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बनाना तो आपने देख ही लिया, अब चलो लगाना दिखा देते हैं।
बनाना भी तो आपने देख ही लिया ना। अब देख लीजिए आप मेरी स्किन पहले में और अभी में। मैंने इंस्टेंट का भी डाला हुआ था लेकिन एक कुछ टाइम बाद का है। मैंने थोड़ी सी एक छोटी सी ज्वेलरी, छोटी सी थोड़ी सी क्या मैं बोल रही हूँ, एक काफ़ी यूनिक सी ज्वेलरी डाली हुई है और इसको मैंने लखनऊ से लिया हुआ है, लोकल मार्केट से। तो इसका लिंक मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। आप लोग आई नो लिंक मांगोगे, लिंक दे दो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इस ज्वेलरी को मैंने कपूरथला से लिया हुआ है और इस आउटफिट को मैंने ट्रेंड से लिया हुआ है, तो दोनों का लिंक मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना ज़रूर मुझे। तो काफ़ी सिंपल एंड सोबर लग रहा है, आई नो आपको भी पसंद आया होगा। सो वीडियो भी पसंद आया ही होगा क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा और जितनी भी चीज़ें मैंने यूज की हुई हैं आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू, लॉट्स ऑफ लव फैमिली, बाय बाय।